वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर से तूफानी पारी खेलकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन रोहित ने दिल तब जीता जब वह आउट होने के बाद पवेलियन में खड़ी अपनी बेटी की ओर इशारे करते हुए दिखे। दरअसल तूफानी पारी खेलने के बाद रोहित जब पवेलियन लौटे तो उन्होंने सामने वाले स्टैंड पर बेटी समायरा माँ रितिका की गोद में थी। रोहित ने इशारे में ही बेटी से बात करनी शुरू कर दी। रोहित को ऐसा करते देखते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और तो और मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। बता दें कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रोहित ने विंडीज के खिलाफ 71 रन की पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। रोहित अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वे पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने की लिस्ट में टॉप पर चल रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।